हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज कर रहा हूं टेक न्यूज़ नंबर 26। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कल किन टेक न्यूज़ 25 में हो गए हमारे 10,000 व्यूज़। तो मैंने जैसे कहा था, अगर टेक न्यूज़ में 10,000 व्यूज़ होंगे तो मैं पेटीएम का वाउचर या अमेजोन का वाउचर गिफ्ट करूँगा। तो आज का जो लकी विनर है वो है, तो मैंने टेक न्यूज़ नंबर 25 का लिंक ले लिया है और रैंडम कमेंट पिकर में सर्च करूँगा। जो विनर होगा भाई, वो अपने कमेंट पे अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर लिख दे, मैं उसको ये गिफ्ट दे दूंगा। अभिषेक चौधरी भी आप हो विनर, तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो भाई कॉन्ग्रेट्स टू लकी विनर। आप अपना कमेंट एडिट करके अपना फ़ोन नंबर या भाई ईमेल एड्रेस मुझे दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर गिफ्ट कार्ड पोस्ट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है रियलमी की। रियलमी का जो X2 Pro है, जो प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है, वो जल्दी ही इंडिया में आएगा। वो BIS सर्टिफाइड हुआ है इंडिया में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाइंस के साथ। दो मॉडल सबमिट हुए हैं, एक RMX 193 और एक RMX 1993। तो देखते हैं ये इंडिया में कब तक आता है, पहले यूरोप में जाता है या चाइना में आता है या इंडिया में आता है। मैं इस फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई बहुत बढ़िया फ़ोन है। 30,000 से नीचे कह रहे हैं ये फ़ोन आएगा, और स्नैपड्रैगन 855+, 2.84 GHz, 50W का फास्ट चार्जर, तो बहुत बढ़िया फ़ोन होगा रियलमी का। ये K20 Pro को बहुत टक्कर देगा, क्योंकि इस टाइम K20 Pro ही है जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ आता है और कम प्राइस में है। तो देखते हैं ये फ़ोन कब तक इंडिया में आता है और क्या होगा खास। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रेडमी की। तो रेडमी का 5G फ़ोन आने वाला है, उसमें प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का M70, जो लेटेस्ट प्रोसेसर है 5G के साथ। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये रेडमी का K30 हो सकता है या K30 Pro हो सकता है, जिसमें MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया है। लास्ट रेडमी नोट 8 Pro में MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया था, मगर मुझे उसमें हीटिंग इशू बहुत मिला। तो होपफुली जो ये लेटेस्ट फ़ोन आएगा उसमें हीटिंग इशू ना हो, वरना मैं रिकमेंड करूंगा शाओमी को भाई MediaTek को छोड़ के स्नैपड्रैगन में ही आना चाहिए, जिससे फ़ोन की लाइफ और फ़ोन की वैल्यू बहुत बढ़िया रहती है। बाकी इस फ़ोन में काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, 6GB रैम प्लस 8GB रैम हो सकती है, 64+128+256 स्टोरेज, UFS 3.01, और फ्रंट कैमरा मिलेगा पॉपअप के साथ, 26 MP का रियर कैमरा होगा, मेन होगा उसमें 64 MP प्लस 15x ऑप्टिक डिजिटल जूम मिलेगा उसमें आपको, डुअल एंटी शेकिंग मोड, 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक्रो मोड और काफ़ी कुछ। बैटरी 4600 mAh की मिलेगी, 37W, मेरे हिसाब से 40W का जो लेटेस्ट चार्जर आया है Mi 9 Pro में वो मिल सकता है इसमें आपको। तो देखते हैं फ़ोन कब तक आएगा, मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट मंथ से पहले आ जाएगा, क्योंकि Redmi K30 टक्कर देगा Honor V30 को। तो वही देखते हैं कब तक ये फ़ोन लॉन्च होते हैं, अनबॉक्सिंग और पक्का रिव्यू इसका मिलेगा। रेडमी शाओमी के तो भाई अनबॉक्सिंग रिव्यू बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग की है। सैमसंग गैलेक्सी ज़ीरो तो एक नया लॉन्च कर रहा है, सैमसंग फ़ोन गैलेक्सी ज़ीरो, स्नैपड्रैगन 865 के साथ ये फ़ोन आएगा। 100% फुल स्क्रीन रेशियो होगी, तो बहुत ही प्यारा फ़ोन लग रहा है। IP68 वाटरप्रूफ सर्टिफाइड है ये फ़ोन, 6.7 inch AMOLED डिस्प्ले, 19.9 स्क्रीन रेशियो, 1440x3040 स्क्रीन रेजोल्यूशन, 120 का रिफ्रेश रेट मिलेगा, कि रिफ्रेश रेट होगा जो ROG 2 90Hz से ज़्यादा है, तो ये बढ़िया लग रहा है। 45W का चार्जर मिलेगा, वायरलेस चार्जर मिलेगा 25W का, और 5000 mAh की बैटरी है, और फ्लैगशिप फ़ोन है तो भाई ऑब्वियस है 50-60 हज़ार से ऊपर होगा, सैमसंग है भाई। तो देखते हैं 2020 में आने के ज़्यादा चांसेस हैं इस फ़ोन के, या दिसंबर तक ये आ सकता है। फ़ोन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, देखते हैं जब आता है क्या होता है। सैमसंग की एक और न्यूज़ आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड टू। भाई अभी सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन आया काफ़ी महंगा, 1.5 लाख से ऊपर का था, अभी एक फोल्ड टू ला रहे हैं जिसमें ये यूज़ करेंगे अपना एस पेन। तो भाई लास्ट में एस पेन की ऑप्शन नहीं थी, जो सूटेबल नहीं था, मगर जो सेकंड पार्ट आएगा गैलेक्सी फोल्ड 2 का उसमें ये यूज़ करेंगे, क्योंकि हुआवे मेट एक्स 2 में उन्होंने स्टाइलस पेन का ऑप्शन दी है। तो जो पिक्चर्स लीक हुई हैं, पेटेंट फाइल किया है, उसमें आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 में भी एस पेन की ऑप्शन मिलेगी आपको। काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं, तो भाई उनके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी मेरे हिसाब से अब ये 2 लाख को क्रॉस करेगा, क्योंकि शाओमी ने पहल कर दी एक 2 लाख का फ़ोन ला के, तो बाकी कंपनी भी कहेंगी भाई हम पीछे क्यों रहें, हम भी उससे महंगा फ़ोन लाएंगे। तो देखते हैं ये कब तक फ़ोन आता है, भाई मेरे चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग नहीं आएगी, सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो मिक्स 4 अल्फ़ा आया था, जो हम कह रहे थे मिक्स 4 होगा,
र्यूमर्स आ रहे हैं चाइना के मिक्स फोर अभी खत्म नहीं हुआ, मिक्स फोर आ सकता है। 24 अक्टूबर को चाइना में है शाओमी का इवेंट, जिसमें CC9 प्रो जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, उसके साथ शायद कंफर्म नहीं है मिक्स फोर भी लॉन्च हो सकता है। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिक्स सीरीज के लिए, मिक्स टू, मिक्स टू एस, मिक्स थ्री काफ़ी बढ़िया फ़ोन थे। मैं मिक्स फोर यूज़ करना चाहता मगर मिक्स अल्फा आ गया, मैं वो भी यूज़ करना चाहता मगर वो सेल में नहीं आया अभी तक। 2 लाख का था मगर तब भी मैं चाहता था कि मैं लूँ वो, मगर वो अभी सेल में नहीं आया, दिसंबर के बाद में आएगा तब देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। बाकी अब मिक्स फोर कह रहे हैं 24 अक्टूबर को आ सकता है। तो भाई इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर होगा, वाटरफॉल डिस्प्ले मिलेगी, वाटरफॉल डिस्प्ले जैसे ये वाली काफ़ी प्यारी डिस्प्ले लगती है, ये आपको मिल सकती है। 4 कैमरे होंगे इसमें, तो अभी कैमरे का कंफर्म नहीं है, कुछ कह रहे हैं 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, कुछ कह रहे हैं 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। और इसमें 50 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा, वायर्ड 30 वॉट का वायरलेस चार्जर। तो देखते हैं 24 अक्टूबर को शाओमी क्या धमाका करता है, कुछ धमाका करता है या भाई CC9 प्रो भी बढ़िया ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ओप्पो रेनो एस 10 तारीख को जो लॉन्च हो रहा है चाइना में, उसका एक चार्जिंग टेस्ट लीक हुआ है कि सिर्फ आधे घंटे में ये फ़ोन 100% चार्ज हो गया। इस फ़ोन में आपको मिलेगा 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर, तो आपको पता ही है सबसे फास्ट इस टाइम जो मिल रहा है वो होगा 65। 120 वॉट का वीवो का आया था मगर वो अभी तक सेल में नहीं आया, तो भाई ये बहुत फास्ट है। कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं, तो देखते हैं फ़ोन कैसा होगा। 6.5 इंच की स्क्रीन है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आएगा, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एमोलेड स्क्रीन के साथ आएगा, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन और 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल की मेमोरी मिलेगी आपको। मेन चीज़ है इसमें 65 वॉट का चार्जर प्लस 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। प्राइस बढ़िया हो मेरे हिसाब से वैसे 40,000 तक ही आने के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं। ओप्पो के थोड़े प्राइस ज़्यादा होते हैं मगर रेनो सीरीज बढ़िया है, देखते हैं कब तक आता है। 10 तारीख आने वाली है, 3 दिन रह गए हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर प्राइस बढ़िया हुआ तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसका स्पीड टेस्ट, बैटरी टेस्ट जरूर दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ऑनर V30, भाई ऑनर V30 भी बहुत दमदार फ़ोन था, ऑनर V20 बहुत बढ़िया फ़ोन था, मैंने यूज़ किया था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। ऑनर V30 आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। इसके 2 वर्जन आएंगे, ऑनर V30 और ऑनर V30 प्रो। तो V30 में आपको मिलेगा कीरिन, दोनों में मिलेगा कीरिन 990, मगर कुछ कुछ डिमेंशन चेंज है। V30 में मिलेगा आपको 4G और एक 5G वेरियंट, जिसमें होगा LCD स्क्रीन प्लस एक पंच होल होगा और काफ़ी सिमिलर होगा ये V20 से। 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, 4000 mAh की बैटरी होगी, 22.5 वॉट का चार्जर होगा। वहीं हमें ग्लोरी ऑनर V30 प्रो जो स्पेशल एडिशन होगा उसमें आपको मिलेगा OLED स्क्रीन, 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेम है, 40 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर प्लस आपको मिलेगा 15 वॉट का वायरलेस चार्जर, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डुअल मोड 5G। तो V30 में आपको शायद 5G ना मिले, सिर्फ 4G मिले, मगर V30 प्रो में आपको 5G भी मिलेगा। तो भाई ये मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में आ जाएगा, ऑनर लॉन्च कर देगा कीरिन 990 के साथ, मगर प्रॉब्लम वही है गूगल की। भाई ऑनर हुआवे मेट 30 प्रो है मेरे पास, मेरा गूगल चल रहा है, मस्त चल रहा है, मगर काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग काफ़ी ऐप्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे। तो अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से ऑनर भी भाई आई थिंक नोबडी बाय, कि भाई इतना महंगा फ़ोन 40,000 या 35,000 का फ़ोन लॉन्च करेंगे तो भाई अगर गूगल ही नहीं है तो ग्लोबली नहीं बिकेगा। चाइना में बिकेगा, मैं ये नहीं कहूँगा चाइना में नहीं बिकेगा, ग्लोबली बिकना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो एप्पल की, एप्पल के न्यू एयरपोर्ट्स की कुछ पिक्चर्स लीक हुए हैं, 4 न्यू कलर्स हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और काफ़ी महंगे भी होंगे वैसे तो। भाई इसमें कलर्स में मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे देखने में। इसमें ऐड किया है नॉइज़ रिडक्शन, मगर एक्टिव नॉइज़ रिडक्शन नहीं होगी। तो भाई 10-12-15 हज़ार के होंगे ये वैसे, बाकी जो लोग एप्पल और आईफोन प्रेफर करते हैं उनके लिए तो कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर हम जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे मैंने शाओमी के एयर टू लिए हैं, बहुत बढ़िया लगे मुझे, सिर्फ 4,000 के हैं, आईफोन से बहुत कम है, हम 2 ले सकते हैं उसी प्राइस में। तो भाई आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कल।